ऑफ यू जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दे, हम लोग बस शुरू कर देंगे आज का सेशन बहुत जल्द, विद इन वन मिनट। चलिए वेरी गुड, कुछ बैकग्राउंड सेटअप कर रहे हैं उसके बाद शुरू कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते, जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जस्ट अ सेकेंड। देखिए कितने लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी गुड, आज का टॉपिक है, ये जो टॉपिक चलेगा अभी सेक्शन 96 से लेके 106 आईपीसी एक्सक्यूजेबल डिफेंस हम लोग ने कवर कर लिया था, दैट मींस 76 से लेके 95 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, प्रणाम डीजी जी, प्रणाम प्रणाम। जो लोग जुड़ चुके हैं ना शेयर कर दीजिए, जो लोग जुड़ चुके हैं शेयर कर दीजिए। चलिए, हाँ एमपी का रिजल्ट आउट हो गया है, वेरी गुड। चलिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड इवनिंग जितेंद्र जी, गुड इवनिंग। देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, चलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में हम पहले दो इसेंशियल पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला नंबर पॉइंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू टू कंडीशन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। वेरी गुड जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है तो ये आप जानते हो, आत्मरक्षा में आप किसी को हार्म कर सकते हो, ये जो आपके पास राइट है, अधिकार है, इसको कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और ये इंडियन पिनल कोड में कहां से कहां तक है, और इस प्रकार के हम लोग डिफेंस को क्या कहते हैं, जस्टिफिएबल डिफेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? एक्सक्यूजेबल हो गया था, जस्टिफिएबल पे आ रहे हैं। देखो पहला नंबर कंडीशन, यू हिमसेल्फ नॉट अराइज दिस सिचुएशन अंडर विच यू कैन क्लेम सच राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप उस परिस्थिति में इस्तेमाल कर रहे हो जिस परिस्थिति का निर्माण आपने ही किया है, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का एक चोर है, ए नाम का एक चोर है जो चोरी करने के लिए एक घर में घुसा, जो चोरी करने के लिए घर में घुसा, और इसके पास, इसको यह भी डर था
कि चोरी करने में अगर हमको कोई पकड़ लिया तो हम एक रिवॉल्वर रखते हैं पास में, रिवॉल्वर रखते हैं पास में, ताकि अगर हमको कोई पकड़ लिया चोरी करने में घर का जो लोग है तो हम रिवॉल्वर के थ्रू बच के निकल जाएंगे। चोरी करने के लिए एक घुस गया एक घर में। अब इस घर के जो सदस्य थे बी सी डी, ये तीनों एक को मिलके मारने लगे। चोर अगर आपके घर में चोरी करने घुसेगा और आप उसको पकड़ लोगे तो आप तो उसको ये नहीं ना पूछोगे कि आइए आइए चाय पीजिए बैठिए, आप तो बोलोगे तो पूरा आप तो पूरा रगड़ोगे, पूरा जितना खुन्नस है जितना भी घर परिवार समस्या है, शादी हो गई है तो और एक समस्या है आपको, तो वो पूरा खुन्नस निकालोगे इस पे चोर पे। निकालने लगा बी सी डी। अब इसको लग गया कि अरे बाप रे बाप, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये तीनों मिलके तो हमको ऊपर पहुंचा देगा। इन निकाला रिवॉल्वर, ये रिवॉल्वर निकाला और मार दिया बी को गोली, मार दिया बी को गोली, केहू ना बोली है ना, बी मर गया। ए के खिलाफ मुकदमा चला, प्रोसिक्यूशन हुआ। सवाल उठता है, ए अगर बोलता इस बात को कि जज साहब मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बी को मारा है, अगर मैं नहीं मारता तो ये लोग मिलके मुझे मार देते, सवाल कि क्या ए को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। बात समझ में आया, जल्दी कमेंट करें, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वेरी गुड, नहीं मिलेगा। मुकेश जी, गीतांजलि जी, आजम जी, प्रसिदा जी, जितेंद्र जी, सानू जी, नम्रता जी, अनिल जी, गुड्डू जी, सभी का कहना है, सूरज जी, नागकन्या जी, जसविंदर जी, जसविंदर जी कहते हैं मिलेगा, गणेश जी कहते हैं मिलेगा, मनीष जी कहते हैं नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोगों का कहना नहीं मिलेगा, दो लोगों का कहना मिलेगा। अभी हम आपको बताएं कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू टू कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस सिचुएशन में नहीं मांग कर सकते हो जिस सिचुएशन को आपने खुद उत्पन्न किया है। ये चोरवा घर में नहीं घुसता चोरी करने के लिए, तो क्या इसको इसका मौत का खतरा होता? नहीं होता, तो इसलिए यहां पर ये मांग करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, तो इसको नहीं मिलेगा। ये नंबर जो कंडीशन था ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितना आवश्यकता है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उतना ही इस्तेमाल करोगे। अगर कोई, अब यहां इसको एग्जांपल से समझते हैं, दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि जितना आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करना उचित होगा उतना ही करोगे, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक करके कर दिए तो फिर आप नहीं बचोगे, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए बातों को। ए है और बी है, ए बी का नाक पकड़ता है, ए बी का नाक पकड़ के ऐसे से कर रहा है, बी को आ गया गुस्सा, बी क्या किया अपना रिवॉल्वर निकाला और मार दिया, और बी पे जब प्रोसिक्यूशन चला मर्डर का तो बी बोलता है हम तो अपने आत्मरक्षा में किए थे, ए मेरा नाक पकड़ के कर रहा था, हमको चोट पहुंचा रहा था, तो इससे बचने के लिए हम गोली चलाए ए पे और वो मर गया, तो हम तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किए हैं, हमको डिफेंस मिल जाना चाहिए। मिलेगा जल्दी बताइए, वेरी गुड, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जितना आवश्यकता उतना ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हो। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया, आगे लेके चलते हैं आपको। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोग का प्री और मेंस दोनों कवर होगा,
बड़े ध्यान से लेक्चर को देखिएगा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ईच एंड एवरीथिंग रिलेवेंट केसेस सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। अब आगे लेके चलते हैं, एक केस लॉ लिखिए, रिलेवेंट केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में कहा गया कि आपके पास किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, ये उस सिचुएशन का फैक्ट और सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर करेगा, तय करेगा। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी परिस्थिति में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, ये उस सिचुएशन का फैक्ट और सर्कमस्टांस तय करता है। फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देख के ही ये पता लगाया जाता है कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है। इज इट क्लियर? वो केस है अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से ये केस लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खोज खोज के लाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक केस ये तो हो गया एक नंबर, नंबर बी पे आइए। नंबर बी किस लिखे? रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दी, इस केस में जो बात आया था, देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ रिटेलिएशन। इसका मतलब यह हुआ, रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में यह बोला गया कि अगर मान लीजिए कभी ना कभी आपको हम, फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल समझिए और क्लियर होगा, ए बी को कभी ना कभी बहुत मार मारा था, पास्ट में ए बी को बहुत मार मारा था, उस समय ए बहुत मार मारा बी को, उस समय बी जो है कुछ नहीं बोला, चुप था, बेबस था, अकेला था, कुछ नहीं किया। बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बदले के अधिकार के विरुद्ध आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो, वही हम समझा रहे हैं। ए बी को पास्ट में बहुत मार मारा था, कोई भी कारण हो सकता है, यह भी हो सकता है कि बी जो है ए की सिस्टर को छेड़ा होगा, इसलिए ए बी को पूरा रगड़ दिया, बी उस वक्त अकेला था, कुछ नहीं कर पा रहा था, बी ये सोच लिया कि ठीक है तुम आज हमको मारे हो ना, कभी पकड़ाना भविष्य में, मौका मिल गया बी को मौका मिल गया, और भविष्य में जब ए अकेला पाया गया तो बी ए को पकड़ के कूट दिया, जाने मार दिया, और जब कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो ये कहता है हमको भी तो ए मारा था, तो हम तो प्राइवेट डिफेंस में मारे हैं उसको, अपना बदला लिए हैं, कोर्ट क्या उसको ग्रांट करेगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? वेरी गुड, नहीं करेगी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एकदम याद रखना है। चलिए नम्रता जी, आपका जो क्वेश्चन है ये हम लास्ट में, एट द लास्ट आप पूछिएगा, फिर से हम बता देंगे, ठीक है?
अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अभी आगे बढ़िए, आपको और मजा आएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, इसको हटाते हैं। अभी हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समझ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट केस है जो बताया, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। वाह वाह वाह, ये क्या मतलब हुआ? देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के कार्य के खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? और ये केस लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस में आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य से, उस कार्य के खिलाफ आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं, आगे लेके चलते हैं। केस लिखिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ एमपी। जल्दी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं। चलिए अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस को समझाएंगे, आपको बात समझ में आ जाएगा। ए है, बी है, सी है, डी है, चार लोग हैं। ये चारों पार्टनर हैं, पार्टनर इन लीकर बिजनेस, दारू का धंधा करते हैं ये लोग चारों मिलके। चारों पार्टनरशिप किए हुए हैं लीकर बिजनेस में, चारों पार्टनर है। अब बी सी डी इन तीनों को शक हुआ कि ए जो है पैसा खा रहा है, पैसा दबा रहा है, ए पैसा दबा रहा है, प्रॉपर अकाउंट पेश नहीं कर रहा है, प्रॉपर अकाउंट बिजनेस का शो नहीं कर रहा है, बिजनेस का प्रॉपर अकाउंट ए शो नहीं कर रहा है, घपला कर रहा है बिजनेस में, पैसा मार रहा है ये। तो बी सी डी इस बात का हिसाब लेने के लिए कि तुम बिजनेस में, तुमको हम इंचार्ज बनाए, तुम कैसे कैसे बिजनेस को डील किया है, किस किस के साथ तुम कांटेक्ट किया है, किस किस को लेकर भेजा है, पूरा अकाउंट ब्यौरा दो। इस बात के रिस्पेक्ट में बी सी डी तीनों पिया हुआ है, तीनों लीकर में डूबा हुआ है, दारू में डूबा हुआ है। गया ए के घर लेट नाइट, मध्य रात्रि को घर गया। ए के घर जब पहुंचा तो उस वक्त भी इन तीनों के पास अपना अपना रिवॉल्वर था, तीनों अपना अपना रिवॉल्वर लेके गया था कि जहां इधर उधर हुआ खेला कम कर देंगे काम, जहां इधर उधर हुआ अपने अपने पास रिवॉल्वर रख लिया, जहां इधर उधर हुआ समझ रहे बात को, मैटर को सुलटा देंगे। तो बाती हुआ, इन तीनों ने मिलके ए से मांगा ब्योरा दो, हमको ब्योरा दो। ए बोला कोई ब्योरा नहीं देंगे, कोई अकाउंट पेश नहीं करेंगे, तुम लोग क्या करते हो, सब काम हम करें और काम हम करें, हिसाब तुम लोग मांगने आओ हमसे, हम कोई हिसाब किताब तुम लोग को नहीं देंगे। तीनों को चढ़ गया गुस्सा, तीनों गोली लगा, मिलके मार दिया, तीनों मिलके एक को मार दिया। बात पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये लोग अपने डिफेंस में कहता है कि हम जज साहब रिवॉल्वर इसलिए लेके रखे थे साथ में कि कुछ अनहोनी होगा तो हम इससे निपट जाएंगे, हम अपने डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करेंगे, इसलिए मेरे पास हम बंदूक लेके चले थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो पूछे इन तीनों से, तुम रात में मध्य रात्रि को
एक एक घर में जाते हो रिवॉल्वर के साथ जाते हो और बोलते हो कि हम अपने आत्मरक्षा में कोई कार्य करने के लिए रखे थे, और बाताबाती होता है, तुम तीनों पिए हुए हो, बाताबाती होगा, संभावना क्या बनता है कि गोली चलेगा ही चलेगा, और तुम मार दिए और अब बोल रहे हो कि हम अपने आत्मरक्षा में कोई काम किए हैं, तो तुमको डिफेंस चाहिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोर्ट क्या बोली, सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड क्या की, पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, कि आप अपने आत्मरक्षा में कुछ भी करोगे तो आपको उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द आईपीसी। इज इट क्लियर, बात समझ में आया? वेरी गुड, चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड, तो ये सब बात को पढ़ने से पहले याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिस्पेक्ट में, ये हम आपको बता दिए। मजा आ रहा है, दबा के शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ये मेरे लिए जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। आगे आप लोगों को लेके चले इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आगे बढ़ाएं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, जो इस वीडियो में अभी नए हो, इस लाइव में मेरे साथ नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरीके के वीडियो, हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। और दूसरी बात कि अभी तक आपने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी अनअकैडमी पे हम लोग कवर कर रहे हैं सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को, और पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं, पूरा डिटेल में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। क्लास अटेंड कीजिए अनअकैडमी पे, क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा प्रोफाइल लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे प्रोफाइल तक पहुंचिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास शुरू हो आपको उसके पहले से लगातार नोटिस मिलने लगे। टाइमिंग याद रखिए क्लास का, सीआरपीसी है शाम का 7 बजे और एविडेंस एक्ट है 11 बजे सुबह। टाइमिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग, कंटिन्यूअसली क्लास होता है, लेकिन जब आप इस क्लास तक पहुंच भी जाओगे तो आपको कोड अप्लाई करने बोलेगा, कोड है लॉ इज लाइफ, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, लॉ इज लाइफ पुटिन कर दीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा, टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिखेगा, मेरे प्रोफाइल लिंक तो देखेंगे ही दिखेंगे अनअकैडमी की, बाकी ये भी दिखेगा। कोई भी डाउट होगा, नहीं पहुंच पा रहे हो, मुझे डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए आगे लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था, क्योंकि जो सिंसियर है उनको क्लास चाहिए, तो ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 96 को। अब 96 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। लास्ट में दो क्वेश्चन प्रसिद्धा जी, लास्ट में फिर हम आपको समझा देंगे। 96 क्या कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए उसके बाद आगे लेके चलिए, और इसी पॉइंट पे कितना ज्यादा बात आपको बता दिए कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है, एग्जाम्पल देके समझा दिए,
रिलेवेंट केसेस जो था वो आपको बता दिए कि क्या क्या बताया गया है. देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, है ना. अब आता है अगर आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, डोंट वरी, क्वेश्चन को लास्ट में आप लोगों का हम समझाएंगे, निश्चिंत रहिएगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर, कितने प्रकार का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. वेरी गुड. चलिए 97 कहता है दो प्रकार का है. वेरी गुड वेरी गुड. वो कौन कौन सा है? अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? पर्सन या बॉडी जो बोल लीजिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अब देखिए आपसे हम सवाल पूछते हैं, इसका जवाब दीजिए. क्या आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तक ही है? क्या आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी दूसरे को नहीं बचा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ये देख रहा है कि बी नाम का व्यक्ति पे सी गोली चला रहा है गन बंदूक से, गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सी बी को मार रहा है, गोली चला रहा है, बी को बचाने के संदर्भ में ए सी पे गोली चला देता है और सी को मार देता है, तो क्या ए बचेगा? वेरी गुड, ए बच जाएगा. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो इसका मतलब यह समझ में आया कि आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने लिए और दूसरे दूसरों के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलिए, बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है. बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है. जब जब मौका मिले बेयर एक्ट को खोल के पढ़िए. क्या कहता है 97? एवरी पर्सन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस. अब देखो क्या कह दिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है आपके पास, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. अब वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब कि वैसे सिचुएशंस भी हैं जब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है. और वो सिचुएशन कहां पे बताया गया है? तो सेक्शन 99 में बताया गया है. वेरी गुड. तो इन चार अपवादों को मद्देनजर रखते हुए क्या कहता है? फर्स्ट, कि आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. तो बात अगर बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो ये राइट आपको किस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है? उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो हो रहा है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. तो सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो डील करता है उस ऑफेंस से जो हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट. जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्विकली. आई होप कि ये चैप्टर पे ऑलरेडी बात किए हैं हम लोग, तो आपको पता होगा. नरेश जी कह रहे 17, गुड्डू जी 16, रिया जी 16, सोधा जी 16. ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी 16. तो 16 ये बताता है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, क्या आप सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ही उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ दी प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है. प्रॉपर्टी हियर मींस टू से बोथ प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल. प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, यहां पे मूवेबल भी होगा
और इमूवेबल भी होगा। जो लोग बिगिनर्स होंगे उनको काफी हेल्पफुल होगा ये सब बेसिक्स, थोड़ा बता देते हैं हम तोड़ तोड़ के, ये बेसिक्स भी बता देते हैं, जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा सा हेल्प होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हियर मींस टू से बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, इज इट क्लियर? चाहे वो खुद का हो चाहे वो किसी और का हो, तो उस कार्य के अगेंस्ट है आपके लिए, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक्ट खुद में, जो एक्ट ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ, यहां पे बहुत मजेदार चीज है ये रखिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी आपको उस ऑफेंसेस के अगेंस्ट ही है जो चोरी है, प्लीज राइट डाउन, थेफ्ट, रॉबरी, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, वेरी गुड, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और अटेम्प्ट देयर ऑफ, इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट, प्लीज लिसन केयरफुली, जब बात हम लोग किए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो आपको यह बता दिया गया उस ऑफेंस के अगेंस्ट ही है जो ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में होता है चैप्टर 16। लेकिन जब बात करेंगे प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आपको इन्हीं ऑफेंसेस के और इन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में ही आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर? कितना ऑफेंस हो गया, 1, 2, 3, 4 और इसका अटेम्प्ट, इनमें से किसी का भी अटेम्प्ट, बात समझ में आया? वेरी गुड, आर्यन सोधा जी चैप्टर 17 मत बोलिएगा, 378 से 462 ऐसा मत बोलिएगा। जब भी आपसे सवाल पूछ लिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अवेलेबल अगेंस्ट विच ऑफेंसेस, तो याद रखिएगा ऑप्शन में अगर ये सब आएगा तो इसी सब में टिक कीजिएगा, ये सब आएगा तो इसी सब में टिक कीजिएगा, और आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप अपने लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो और तीसरे पर्सन के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वेरी गुड, चलिए आगे लेके चलते, एक सवाल पे आते हैं। पहले एक सवाल सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जवाब हमको सही चाहिए, इसलिए जो लोग न्यू हैं उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइम स्पेंड कर चुके हैं आईपीसी में उनका जवाब सही होना चाहिए। देखिए सवाल सुनिए, ये आप लोग नोटिस कीजिए, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और इनका अटेम्प्ट। अब सवाल ध्यान से सुनिए, ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है और इधर 6 लोग हैं, 6 लोग, 6 persons आर देयर, 6 persons, और ये 6 का 6 व्यक्ति मिलके डकैती करता है ए के अगेंस्ट, ए के खिलाफ ये 6 व्यक्ति कौन सा अपराध कर रहा है, डकैती कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या डकैती के अगेंस्ट ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ए के पास क्या डकैती के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? अनिल जी का कहना है यस, प्रसिद्धा जी कहती है यस, वेरी गुड वेरी गुड, सोडा जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, नम्रता जी कहती है यस, प्रिया जी कह रही है यस, अनिरुद्ध जी कह रहे हैं यस, गुड्डू जी कर रहे, कोई आंसर नहीं आया गुड्डू जी का, सुनीता जी यस, मनीष जी हाँ, लेकिन अच्छे, सोदा जी कह रहे नो डिफेंस, नरेश जी कह रहे नहीं, पूजा जी, स्वीटी जी, स्मिता जी, सौरभ जी, मनीष जी, मनीषा जी, चलिए पता नहीं, वेरोनिका जी कहती है पता नहीं क्या होगा, लॉ कितना घुमा देता है क्या,
लॉ आसान लगता है आप लोगों को? डकैती भी रॉबरी है, डकैती भी रॉबरी है, सौरभ जी का कहना है। क्या कहते हैं आप लोग, लॉ आसान है पढ़ना? बिल्कुल आसान है लॉ पढ़ना। लॉ अपने आप से बोलते रहिए कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वाकई में आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि खुद कुछ नहीं है ये। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि सौरभ जी बहुत वेरी गुड आपका, सोधा जी वेरी गुड आप भी बहुत अच्छा। देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस डिफरेंस को? रॉबरी और डकैती के बीच में क्या फर्क है पर्सन को लेके? वेरी गुड, वेरी गुड अनिरुद्ध जी। पर्सन के रिस्पेक्ट में रॉबरी और डकैती के बीच में क्या फर्क है, बता दीजिए जल्दी से हमको। वाह अनिरुद्ध जी, वेरी गुड। नंबर ऑफ पर्सन का, प्रिया जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वीटी जी, गुड्डू जी, नंदनी जी, नंदनी जी वेरी सिक्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब, वेरी गुड, मतलब रॉबरी जो है एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन डकैती करने के लिए रॉबरी ही ट्रांसफॉर्म होता है डकैती में, और इसमें बस संख्या बढ़ जाता है व्यक्तियों का, पांच हो जाता है ना। वेरी गुड, अच्छा अच्छा, नॉट एंड फाइव और मोर पर्सन। तो रॉबरी क्या एक व्यक्ति कर सकता है क्या? रॉबरी क्या एक व्यक्ति अकेले कर सकता है क्या? चलिए इस बात में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या रॉबरी एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे देखो नंदनी जी कह रहे नहीं, अनिरुद्ध जी कहते हैं नहीं, नम्रता जी भी कह रही है नहीं, विशाल जी भी कहते हैं नहीं, जो नहीं कह रहे हैं उनके उनके कैसे जा रहे हैं आप लोग? बाबू रॉबरी का सेक्शन निकाल दीजिए 490 और माफ कीजिए गलत हो गया, हम खुद गलत बता दिए, 490 नहीं, वन सेकेंड, 390, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यहां पे कहां कह रहा है कि रॉबरी में व्यक्तियों का संख्या चार से कम होना चाहिए? हम सवाल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या रॉबरी कर सकता है, तो जवाब होगा यस कर सकता है। एक रॉबरी एक व्यक्ति से भी रॉबरी होता है, लेकिन इसी रॉबरी में अगर पांच लोग या उससे अधिक मिल जाए तो यही रॉबरी बदल जाता है डकैती में। बात समझ में आ गया? तो इस बात पे कंफ्यूज्ड मत रहिएगा कि एक व्यक्ति रॉबरी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति भी रॉबरी अकेले कर सकता है, और रॉबरी में अगर पांच लोग मिल गया तो वही हो जाता है डकैती। और यहां पर सवाल था कि छह लोग हैं और छह लोग मिलकर डकैती कर रहे हैं एक के अगेंस्ट, तो एक के पास इस डकैती के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म है डकैती। कहां गया मार्कर ये? हाँ, रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म है डकैती, इसलिए डकैती के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। चलिए अभी इसमें बहुत लंबा सफर है बाबू, अगर तरीके से पूरा एक एक बात, एक 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 चावल का दाना के तरह पूरा रटना है, बात को समझना है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। स्पीड में निकल जाएंगे तो स्पीड वाला स्पीड में होता है। मेरे पढ़ाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या होता है अंदर घुस के पूरा बताएं आपको, अंदर घुस के, कि जब भी
किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपसे वो सवाल करने के पहले 20 बार सोचे कि हम सवाल करें तो उनसे करें क्या। चलिए अब सवाल आप लोगों का हम देख लेते हैं। अनअकैडमी पे जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, कोड अप्लाई करो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी नहीं समझ में आया गया आपको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप मेरे 8709208746 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर दीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी पे फ्री। निश्चिंत रहिए, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग हर चीज को। अब आप लोगों का क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक सेकंड, आप लोगों का क्वेश्चंस हम लोग अटेंड कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस था तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ भी नहीं समझ में आए, लिंक नहीं मिल रहा है सर कैसे क्या करें, बहुत सवाल आता है आप लोगों का, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कीजिए। ये चलिए बोर्ड पर हम लिख देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस क्या था। अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में आपके पास, आपने जो उस परिस्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज किया है, इस्तेमाल किया है, क्या उस सिचुएशन में आपके पास वो राइट था, यह कैसे तय होगा। तो उस सिचुएशन का फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उस सिचुएशन का फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह तय होगा कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस पार्टिकुलर सिचुएशन में है कि नहीं है। अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद एक डाउट था आप लोगों का पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस में। पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस में यह कहा सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है अगेंस्ट योर एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। देखो सेल्फ डिफेंस मतलब क्या हुआ और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब, दोनों में फर्क है। आप अपने पास आत्मरक्षा में, वो तीनों दोस्त रिवॉल्वर लेके गया था ना, तो रिवॉल्वर लेके गया अपने आत्मरक्षा में, लेकिन कर दिया वो गलत काम, इलीगल एक्ट कर रहा है। और पहला कंडीशन आपको हम बताए थे, पहला कंडीशन याद रखिएगा कि आपको उस सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा जिस सिचुएशन का निर्माण आपने खुद किया है। ये तीनों दोस्त अगर एक घर में नहीं जाता तो संभावना ही नहीं बनता कि ए का मौत होता, तो उस सिचुएशन को पैदा कौन किया, तो बी सी डी ने मिलकर किया। क्या जो था रात में दारू पी के जाना हिसाब लेने के लिए और वो रिवॉल्वर रख के, और वो बोल रहा कि अपने सेल्फ डिफेंस में हम एक्ट किए हैं, तो उसको नहीं मिलेगा प्राइवेट डिफेंस। बात समझ में आया। सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस को समझने के लिए आपको 96 से 106 तक गुजरना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड, कैसा लगा आप लोग, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, बात पूरा बताएंगे और आप लोगों को लॉ इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा लॉ पढ़ने में। हर एक चीज अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, एक बार बेस पकड़, नींव, घर का नींव, उसके बाद आप 10 मंजिला घिस दीजिए ना ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक बात आप लोगों को बता दे, एक बात और आप लोगों को बता दे कि कल क्लास ऑफ रहेगा, क्लास ऑफ रहेगा, इज इट क्लियर। धमाका क्लास होगा, धमाका क्लास जो हो रहा है वो होगा, धमाका क्लास चलेगा 9 बजे। कोशिश करेंगे कि धमाका क्लास को बंद नहीं करें। कल वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो कल हम लोग कल वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे पापा को लेके, तो पापा का वैक्सीनेशन करवाना है तो इसलिए कल हम लोग सभी क्लास को ऑफ रखे हैं, लेकिन धमाका क्लास धमाका करते रहेगा, इज इट क्लियर। धमाका क्लास धमाका करते रहेगा,
और एट द लास्ट आप लोगों को बस इतना कहेंगे कि आप लोगों ने मेरे कहने पे जो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरा हेल्प किया, मुझे नॉलेज हैक को देके, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। ये सपोर्ट कभी नहीं, गीतांजलि जी, मुकेश जी, बहुत लोगों का, मनीष जी, रणधीर जी, बहुत लोग ऐसे, बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों से नाम नहीं ले पाएंगे हम, नाम कुणाल जी बहुत नाम है जो लोग कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं क्लास, रजनी जी, ईशु जी, बहुत नाम है, नहीं ले पाएंगे हम। तो इन लोगों के लिए हम बस इतना बोलेंगे, 40 से 50 लोग हैं, इन लोगों का जगह दिल में बन गया है, ये अब निकलने वाला नहीं है, और जब तक ये लाइफ रहेगा हम रहेंगे, आप लोग मेरे दिल में रहिएगा। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और एट द लास्ट गुड नाइट, अच्छे से रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।